असलम एवरी वन दिस इज़ डॉर चावला राइट एट योर सर्विस और काफ़ी दिनों से मैं इस टॉपिक पे वीडियो करना चाह रही थी खाने के लिए बर्तन कौन से बेस्ट हैं और कौन से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आ, बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं मैं उनको ये बताती हूँ कि हम खाने में क्या सिलेक्ट कर रहे हैं इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा कुकिंग मेथड क्या है और हमारा कुकिंग यूटेंसल क्या है चाहे आपने कितना भी ऑर्गेनिक कितना भी सही फूड अपनी बॉडी की तासीर के हिसाब से अपनी डिजीज़ के हिसाब सेलेक्ट किया है लेकिन अगर आपका कुकिंग मेथड ऐसा है जो आपकी बॉडी की तासीर के अगेंस्ट जाता है यानी अगर आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस और आप हीटिंग मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे बाबिकी हो गया ग्रिलिंग हो गया आपको उसका फ़ायदा नहीं है आप गलत यूटेंसिल सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि, कि खुदा के नॉन स्टिक वेयर से Uh, कुकवेयर जो है उससे दूर चले जाएं डेफिनेटली uh, बहुत इजीली अवेलेबल है सबसे ज़्यादा यही अवेलेबल है कन्वीनियंट है सब कुछ है ये वो uh, पी की मेरी जो पेशेंट्स हैं जो मेरी पेशेंट्स एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की हैं आधी उनकी ज़िंदगी के मस से प्लास्टिक के बर्तन और नॉन स्टिक छुड़वा के ख़त्म हो जाते हैं इसमें बी होता है बिस्फिनॉल ए जो कि आपके पास एक जीनो एस्ट्रोजन है जो कि बॉडी में फॉल्स एस्ट्रोजन का लोड बढ़ाता है और क्योंकि लिवर ने ही सारे एस्ट्रोजन को प्रोसेस करना होता है अलॉन्ग विथ सारे न्यूट्रेंट्स को लिवर प्रोसेस करता है तो लिवर पर फॉल्स गलत एस्ट्रोजन का लोड बढ़ता है टॉक्सिसिटी बढ़ती है और मेजोरिटी आपके पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की जो ब्लोटिंग रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो आपके इन यूटेंसिल्स की वजह से होते हैं इसके साथ साथ इसमें आपके पास एक बड़ा डेंजरस पॉलीमर प्लास्टिक मौजूद है आ, ये जो केमिकल है आपके पास ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का टॉक्सिन है आपको बहुत सारी डिजीजेस कर सकते हैं यहाँ तक कि जब आप नॉन स्टिक कुकवेयर को कुक करते हैं जो धुआं उठ रहा होता है अगर आप उसके ऊपर ढक्कन रख दें और उसको बाद में लैब में टेस्ट करें तो उसमें इतने सारे पॉइजनस केमिकल्स होते हैं आ, आपके पास बहुत सारे थायर डिसऑर्डर्स जो हैं उसकी भी वजह आपके पास जो है वो कुकिंग वेयर हो सकता है जिसमें ख़ास करके एल्यूमिनियम कुकवेयर आ जाता है प्लीज़ एलूमिनियम फॉल्स को ठीक चीप है रिसाइकलेबल है एलुमिनियम कुकवेयर uh, आपके पास इजिली uh, अवेलेबल है सब कुछ है ये वो लेकिन इसको सिर्फ आप uh, बचा हुआ खाना स्टोर करने के लिए यूज़ किया करें इसको कुकिंग मेथड के लिए यूज मत किया करें uh, क्योंकि एलुमिनियम बड़ा इंपोर्टेंट न्यूरोटॉक्सिन uh, है और थायरोटॉक्सिन भी है थायरोयड का भी प्रॉब्लम कर सकता है न्यूरोलॉजिकल uh, प्रॉब्लम भी कर सकता है आपकी बॉडी जो डोज एलुमिनियम की बर्दाश्त कर सकती है दैट इज फिफ्टी मिलीग्राम्स पर पाउंडस अगर आप एलुमिनियम के बर्तनों में खाना कुक करते हैं तो आपकी बॉडी डोज से कहीं ज्यादा एल्युमिनियम एब्सॉर्ब करती है इवन के एल्युमिनियम के बर्तन कुछ अर्सा यूज करके देखें और एक दो साल बाद आप उनका वजन करें उनका वजन कम हो जाएगा वो खाने में इतना ज्यादा जो है आपके पास एबजॉर्ब होता है डोंट यूज़ एलुमिनियम मेटोल बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना और नॉन स्टिक में आपने जो ग्रेनाइट कोटिंग वाला नॉन स्टिक है वो भी यूज़ नहीं करना क्योंकि हाँ वो कोटिंग नॉन स्टिक का वो जो टेफलॉन है जो ये डेंजरस केमिकल है उससे तो आपको प्रोटेक्ट करती है लेकिन जब वो कोटिंग बहुत जल्दी उतर जाती है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होता है इसको आप बिल्कुल भी मत खरीदें और ये जो कॉपर के बर्तन हैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बहुत ही ज़्यादा लेकिन इनको सिर्फ डेकोरेशन की हद तक रखें क्योंकि कापर भी आपके पास बाकी सारे मेटल्स की तरह अगर बॉडी में इस बाद ये भी बता रही हूँ क्या यूज़ करना है आ, जो है वो टॉक्सिक हो सकता है अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करें और एलुमिनियम के बर्तनों के हवाले से एक और चीज़ का ये भी ख्याल करें कि उसमें खास करके आप एलुमिनियम और कॉपर दोनों आप एसिडिक फूड कुक करते हैं यानी आप प्रोटीन फूड कुक करते हैं और आप उसमें ये सिट्रस भी इस्तेमाल करते हैं टमाटर इस्तेमाल करते हैं नींबू इस्तेमाल करते हैं तो ये उस टॉक्सिन की जिस खाने में जाने की एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा देता है तो ये शदीद पॉइजनस हो सकते हैं और हमारे यहाँ पे कितना कॉमन ट्रेंड है एलुमिनियम में लपेट के रानने और मछलियाँ रोस्ट करने का डोंट डू दिस ठीक है फिर ओवर द ईयर्स जाके थर्टीज़ और फोटीज़ में जाके आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों को तो टीन में ही पी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे होना स्टार्ट हो जाते हैं और अदर दें दैट आप आ, जो है सिरेमिक कोटेड बर्तन मत यूज़ करें फुल सिरेमिक अलग एक अलग बात है फुल सिरेमिक बहुत महंगा है इसी उस तरफ मैं नहीं जाऊँगी और मिलता भी नहीं है उसकी बहुत सारी वो दो नंबर फॉर्म मिलती है तो सिरेमिक uh, कोटेड मत यूज़ करें क्योंकि वो कोटिंग फ़ौरन निकल जाती है और मोसी जो आपके पास नीचे मेटल मौजूद होता है ना वो आपके पास निकल और कैडमियम और लेड मौजूद होता है तीनों बहुत स्ट्र... स्ट्रांगली टॉक्सिक हो सकते हैं तो सिरेमिक कोटेड बर्तन स्लाइटली एक्सपेंसिव भी होगा और उसका आपको फ़ायदा भी नहीं होगा और फुल सिरेमिक जो है वो एक रिस्क है सो डोंट यू नो गो ओ ओवर देयर बेस्ट बेस्ट चीज़ जिसमें आप खाना बना सकते हैं गो बैक टू द बुज़ुर्गों वाला जमाना मट्टी की हांडी मट्टी की हांडी में आपके पास बेशक खाना थोड़ा स्लो बनता है और आइडियली खाना बनना भी स्लो चाहिए न्यूट्रंस की एबजॉर्बशन हंड्रेड परसेंट होती है जितना न्यूट्रं खाने में मौजूद है सारे का सारा उसमें इंटैक्ट रहता है और खाना टेस्टी भी ज़्यादा होता है और कोई टॉक्सिन नहीं जाता तो मेरा फेवरेट तो ये है उसके बाद जो मेरा फेवरेट आ जाता है वो ब्रास और ब्रॉन्स आ जाता है जिसमें भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स 93 और 97 परसेंट इंटैक्ट रहते हैं बस ये है कि जो आपके पास ब्रास है उसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट अदरवाइज अगर आपको ये मिलते हैं इट इज़ एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट कुकिंग ऑप्शन माइक्रोवेव के लिए जो मेरी फेवरेट कुकिंग ऑप्शन है दैट इज़ ग्लास ठीक है बेशक उसको खाना चिपकता है बट इट इज़ सेफ आप उसको बेस्ट है आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील इज़ अनदर ऑप्शन जिसको मैं रिकमेंड करती हूँ लेकिन स्टेनलेस स्टील देखते हुए ये ख्याल रखिएगा कि वो हंड्रेड परसेंट निकल फ्री हो क्योंकि अगर उसमें निकल कोटिंग है ना उसकी चमक बढ़ाने के लिए फिर आपको स्टेनलेस स्टील का कोई फायदा नहीं हो रहा है अदरवाइज स्टेनलेस स्टील जो है वो आपके पास एक अच्छी एक सेफ ऑप्शन है और कास्टिंग आयरन Uh, बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास बस उसको ध्यान रखें कि जंग uh, लगने से आप उसको बचाएं इवन कि जिन लोगों के आयरन लेवल्स कम हैं वो अगर कास्टिंग आयरन uh, जो है इसके uh, बर्तन में uh, खाते हैं तो उनके आयरन लेवल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं जिनके आयरन लेवल्स कम नहीं हैं वो आपके पास एनेबल कोटेड कास्टिंग आयरन बर्तन ले सकते हैं तो इट इज़ अगेन वेरी गुड ऑप्शन और अगर आप ऑर्गेनिक खाने के साथ अपने खाने के मेथड को उसका भी ध्यान रखेंगे यानी स्टीमिंग की तरफ और आप भूनने की तरफ खाने को जाएंगे और बेकिंग की तरफ जाएंगे बारबेक्यू ग्रिलिंग और तलावा अवॉइड करेंगे और ये वाले बर्तन यूज़ करेंगे जो कि मैंने कहा खास करके मट्टी की हांडी बिकॉज मट्टी इज़ मेड फ्रॉम अर्थ और अर्थ में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ हारमोनी में उसके साथ सिंक्रनाइज करते हैं उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो उससे बेहतर तो कोई बर्तन हो ही नहीं सकता तो अब इन खाने के बेहतरीन फायदे उठाएंगे कम्बाइंड विद अ हेल्दी लाइफ स्टाइल आई वीडियो आप लोगों के बहुत काम आई सी ऑल अगेन विद वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़